राधे राधे दोस्तों, आज जो हम नई टॉपिक के साथ में आए हैं और कुछ बताना है आपको, ये पारिजात का पौधा है, ये देवलोक से आया हुआ पौधा है और इसे हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता यानी कि सारे देवी देवता इस फूल को पसंद करते हैं। पर दोस्तों, ये चीज़ आपको मालूम नहीं होगा कि ये फूल का कुछ खासियत है, कुछ इसका आप श्राप भी मान लें कि यदि ये पौधा जो आप अपने घर पर लगाते हैं और कुछ लोग ये जो फूल है हमेशा गिरा हुआ मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब ये रात में खिलता है और सुबह बिखरा हुआ रहता है धरती पर, वही फूल भगवान जी को चढ़ाया जाता है। आपको मालूम होगा या नहीं, मालूम होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो पारिजात का पौधा है कुछ ऐसा श्राप है कि इसे डाल से तोड़कर कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा या तो पत्ते में गिरा हुआ रहता है या तो जमीन में बिखरा हुआ रहता है। यही एक फूल है जो आप जमीन से उठाकर भगवान के चरणों में, माथे में, कहीं भी चढ़ा सकते हैं। ये पौधा अपने घर पर यदि नहीं लगाए हुए हैं तो ये पौधा को अपने घर पर जरूर लगाएं। दोस्तों, इसे लगाने का हम फायदा बताते हैं आपको, फायदा जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये पारिजात का, हार श्रृंगार का पौधा क्यों लगाना चाहिए अपने घर पर। सबसे पहला हम बात करेंगे कि पारिजात का यदि पौधा लगाए हुए हैं तो आपके घर में देवी देवता का आगमन, जो आगमन होता है वो आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त के बेला में भगवान जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो जहाँ खुशबू बिखेरता है, जहाँ ये पौधा रहता है, वहाँ भगवान आपके घर में आते ही आते हैं। क्योंकि यदि आप किसी भी तरह से आपके घर में वास्तु दोष ठीक नहीं है, जिस घर में भगवान देवी देवता का आगमन हो जाता है उसके घर में सारे वास्तु ठीक होना स्टार्ट अपने आप होने लगता है। ये पौधा केवल आप स्पष्ट कर लेते हैं, इस तरह से आप छू लेते हैं इस पौधा को तो कहता आपके शरीर में एक अजीब सा ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, ये मात्र छूने मात्र से। यदि आपके घर पर ये पौधा लगा हुआ है और फूल खिलना स्टार्ट हो गया है तो समझ जाए कि आपके घर में देवी देवता का आगमन होने लगा। कैसे महसूस कीजिएगा कि आपके घर में देवी देवता का आगमन है? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कभी भी बगिया में टहलते हैं, घर में टहलते हैं, आप अगरबत्ती नहीं जला रहे हैं, किसी तरह का भी कुछ खुशबू वाला चीज़ नहीं बिखेर रहे, फिर भी आपको सुगंध आ रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे घर में देवी देवता का आगमन है। कहीं से भी कुछ हम अपने घर पे जलाए नहीं, फिर भी खुशबू आ रहा है, ऐसे भगवान को महसूस किया जा सकता है, इस तरह से महसूस करें। दूसरी बात है, अपने घर पर ये पारिजात का पौधा नहीं लगाए हैं तो आप ये साल लगा लें, आप ऐसा पौधा जाके वहाँ पर लें कि एक दो फूल खिला हुआ रहे। क्योंकि यदि आप छोटा पौधा लेकर आते हैं तो ये साल आपको रुकना होगा और वहीं पर आप नर्सरी में ही जाके कि हमें फूल खिला हुआ चाहिए, ये साल हम इसका आनंद लें, इसका पुष्प, यदि एक पुष्प भगवान जी को चढ़ाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पांच पंखुड़ियों वाला पौधा, पांच, तीन इधर है और तीन इधर है, यानी कि छह गो पंखुड़ी इसमें लगा हुआ है और नारंगी कलर का डंटी होता है। ये पुष्प एगो भी आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हजार आप कमल का फूल चढ़ा रहे हैं, मात्र एक फूल आप चढ़ा दें। क्योंकि जब देवी देवता के साथ विवाद हुआ था, ये पुष्प किसी देवी को दिया गया था तो एक देवी जो है नाराज हो गई थी कि ये पुष्प हमारे पास भी होना चाहिए और इसे इंद्रलोक से छीनकर विष्णु भगवान धरती लोक में भी लाए हैं और ये पुष्प का पौधा लक्ष्मी माँ को भी दिए हैं और ये पुष्प का पौधा आपके राम मंदिर में मोदी सरकार भी लगाए हैं। यदि न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो पौधा है राम मंदिर में भी लगाया हुआ है और ये नीज में पेपर में अच्छा से दिया था और ये पौधा जब से हम लगाए हैं तब से हर एक साल इसमें फूल का आनंद लेते हैं। अब आपको ये बताते हैं दोस्तों, इस फूल पौधा आप लगाए हुए हैं अपने घर में, आपके घर में फूल नहीं खिल रहा है, यही मौसम है। फर्स्ट जो ये दो फूल आप खिला हुआ देख रहे हैं हमारे नवरात्रा के समय में खिलता था, अभी अभी हम इसमें दो फूल देखे हैं और दोस्तों ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये देखें खिलकर इसी में इस तरह से बिखरा हुआ है, या तो धरती में गिरा हुआ रहेगा या तो ये भी पुष्प देखें तो जुड़ा हुआ नहीं है, मात्र इसी तरह से है, ये पुष्प जो है खिलकर या तो पत्ती में रहता है या तो धरती में गिरा हुआ रहता है, यही फूल आपको चढ़ाना है। और अब आपको बताते हैं, जैसे कि फूल नहीं आ रहा है, आप पुराना पौधा लगाए हुए हैं इसमें फूल नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, तो हम दो तीन तरह का खाद बताएंगे कि इसमें आपका कली बनने लगेगा, फूल खिल जाएगा, नवरात्रा का ही समय में फूल खिल जाएगा, आप देवी माँ को भी इसे चढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको क्या डालना है, क्या चढ़ाना है,
कौन सा खाद चाहिए। तो दोस्तों अभी बरसात का सीजन है तो हम आपको फर्टिलाइजर नहीं बताएंगे, अभी लगातार पानी पड़ रहा है तो कुछ केमिकल रहित हम आपको फर्टिलाइजर बताते हैं जो इसमें तुरंत ही कली बनना स्टार्ट हो जाए, तुरंत फूल खिलना स्टार्ट हो जाए। आइए जानते हैं कि क्या डालना। तो दोस्तों दो खाद आपको दिख रहा होगा, एक रखे हैं पोटास जो लाल कलर का है ये, और एक है आपका कैल्शियम का गोली। मात्र हम दो चीज इसमें देंगे। और दोस्तों ये भी आपको बता दें, साइड में हम गुलाब का डंडी लगाए हुए हैं तो हम मिट्टी को ज़्यादा छितरा कर नहीं देंगे। हम कैसे देंगे, जैसे कि एक तरफ इस तरह से गड्ढा किए, इस तरह से गड्ढा करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से गड्ढा करने के बाद हमें क्या करना है, पोटास का आपको गुणवत्ता बताते हैं। मात्र आधी चम्मच की मात्रा में देने से आपको क्या होगा दोस्तों, अधिक कली नहीं बन रहा है तो कली बनेगा, अधिक कली बन चुका है तो उसमें फुटास नहीं आ रहा, जल्दी से फूल के रूप में नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही जल्दी ये फूल को खिला देता है। मिट्टी में हमारा किसी भी तरह से फंगस लगा हुआ है या जड़ों में फंगस लगने वाला है तो इसे दूर करता है। मान लीजिए ये पौधा हमारे पत्तियां के साथ जड़ों तक का विकास करता है। पोटास आपको घर पे नहीं है तो आप इसे मार्केट से लेकर आ जाएं, नहीं तो लकड़ी का राख है तो लकड़ी का राख आप एक चम्मच की मात्रा में दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें डालना है। और ठीक हमें कैल्शियम की गोली, कैल्शियम की गोली, ये हमारे बड़े पौधे हैं तो हम इसे 20 से 25 दाना हम देंगे। हमारे हाथों में जो देख रहे हैं ये 20 से 25 दाना कैल्शियम की गोली हम एक साइड देंगे। अब छितरा के देते हैं, मान लीजिए हम चारों तरफ देते हैं तो वो जल्दी असर करता है, और एक जगह देते हैं तो धीरे धीरे हमारे जड़ों तक जाता है। और ये लंबे समय तक, मान लीजिए कि हम अभी दे दिए तो ये कम से कम 15 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा हमारे गमले में, और ऐसे देना है हमें एक मंथ के बाद। तो इस तरह से हम इसे कैल्शियम की गोली एक जगह देंगे और इसे अच्छे से ढांक देंगे, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। और जब भी ये पानी पड़ेगा, अभी देख सकते हैं मिट्टी एकदम गीला है, तो इसमें हम पानी नहीं देंगे क्योंकि मौसम पानी का ही किया हुआ है। पानी देंगे तो जल्दी जल्दी से ये क्या होगा, हमारे डीएनए होल से ये हमारा विटामिन तत्व निकल जाएगा तो हमें निकालना नहीं है। जैसे कि इसमें कली हमारा नहीं बन रहा है, ये चीज़ देने से ऊपर में सारे में कली बना हुआ है और ये सब में कली नहीं बन रहा है तो हमारा कली बनना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इस सब में कली नहीं है तो कली बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वीडियो हम पहले भी डाले थे, हमारे गमले फूट गया था, इसका रिपोर्ट किए थे और अच्छे से उस समय हमारा फूल नहीं खिल रहा था। अब हमारा क्या है कि फूल खिलना स्टार्ट हो गया है तो हमें कैल्शियम की गोली और पोटास देना जरूरी लगा कि अब इसमें हमें जैसे कि दो फूल खिला है, अब हमारे पूरे पौधा जो है भर जाए, फूलों से भर जाए। और ये पौधा अपने घर पर हम फिर से लेके आएंगे, इसका गुणवत्ता इतना है कि एक वीडियो में आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे हम वीडियो लंबा बनाते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसकी जानकारी आप पूरा लें तभी आप अपने घर पर पौधा को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।